सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वर्णानि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् इक्कीसवीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। आधुनिकता के दौर के तनाव संपूर्ण रोगों की जड़ है, द्वार है। आर्थिक बोझ का तनाव, परिवार का तनाव, समाज का तनाव, रास्ते में भीड़ का तनाव, सहनशीलता की कमी, आत्मविश्वास की कमी, गलत शिक्षाएं, काम न करने का मन, मानसिक तनाव, माइग्रेन, डिप्रेशन, हृदय रोग, ये तमाम बीमारियों का सिर्फ एक ही कारण है, आपका अनियमित जीवन, आपका अनियमित आहार। जब जब आप प्रकृति के बहुत दूर जाएंगे, तब तब आप परेशानियों में बढ़ते चले जाएंगे। चिकित्सा पद्धतियां बहुत महंगी हैं, एलोपैथी बहुत महंगी है, एलोपैथी बहुत महंगी है, कितना इलाज कराओगे, आप परेशान हो जाएंगे। समाधान सिर्फ आपके पास में है। आपका शरीर संसार की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जितने केमिकल्स आपके शरीर में तैयार होते हैं, उतने केमिकल संसार में कहीं तैयार नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही माध्यम है, आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी मानसिकताएं और आपकी आदतें। जितना जीवन आप जीते हैं उससे ज्यादा भी आप जी सकते हैं। केवल एक स्वस्थ जीवन की तकनीक आपको आना चाहिए। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन और उसमें भी अष्टांग योग, और अष्टांग योग में आसन,
आसन की क्रियाएं संसार में सबसे सस्ती क्रियाएं हैं, जिसमें कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, केवल अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग देना है, उस पर खिंचाव पैदा करना है, दबाव देना है, और खिंचाव और दबाव देते ही देते रक्त संचालन को समुचित करते हुए मस्तिष्क की तरफ संचालन बढ़ाते हुए आंतरिक अवयवों में रक्त संचालन बढ़ाते हुए आप समस्त रोगों से निजात पा सकते हैं। मैंने अपना वजन कम करने के लिए कई प्रयोग किए, जिनमें से कुछ काफी महंगे और तकलीफ दे थे। फिर मैंने योग को अपनाया। सिर्फ कुछ समय योग को देकर आप वही फिगर पा सकती हैं जो अन्य महंगे और मुश्किल प्रयोग नहीं दे पाएंगे। आइए देखें कैसे। इस भागदौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वहां वे अपने खाने पीने का ध्यान कैसे रख पाएंगे? हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से हमें मोटापा का सामना करना पड़ता है। इस मोटापे के कई कारण हैं। उम्र, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है और आपको अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए उतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती है। जेंडर, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है मोटापे की। पुरुष की पाचन शक्ति ज्यादा मजबूत होने के कारण उन्हें अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए स्त्रियों से ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। वंशानुगत, मोटापा और पतलापन खानदानी भी होता है। वातावरण या माहौल आपका मोटापा आपके खाने पीने की आदतों और आपकी चुस्ती पर भी निर्भर करता है। शारीरिक कार्य, मेहनत एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। व्यक्तिगत आदतें, बहुत लोग गुस्से में, नाराज होकर या चिढ़कर खाना खाते हैं, यानी नेगेटिव इमोशंस में खाते हैं, जिससे उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। बीमारियां, कुछ बीमारियां भी मोटापे का कारण होती हैं। दवाइयां, कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट भी मोटापे का कारण होती हैं। आज की हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी में फिजिकल अपीयरेंस को बहुत महत्व दिया जाता है। यूं कहते हैं कि सुंदरता और सुडौलता दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे लोग शर्मनाक और तनावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। आप इस समस्या से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब आप अपने खाने पीने की आदतों को सुधार दें, अपनी जीवन शैली बदल दें। योग एक ऐसी जांची परखी शैली है जो न सिर्फ आपको एक समस्या से छुटकारा दिलाती है बल्कि आजीवन आपको तंदुरुस्त रखती है। योग आसन न सिर्फ व्यायाम है जो आपके मोटापे को कम करते हैं बल्कि आपके सौंदर्य और आकर्षण को भी बढ़ाते हैं। ताड़ आसन, एड़ियां मिली हुई और एड़ियां ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ के तीले को आसमान की ओर खींचना है। पेट की संपूर्ण पेशी को अंदर खींचें और आसमान की ओर खींचिए। श्वास अंदर रोककर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को वापस लाइए। फिर दोनों हाथ की तीलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ की कैंची बनाएं और पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें, एड़ियां आसमान की तरफ। इस क्रिया को रोज 10 बार करना चाहिए। पानी पीने के बाद पेट आपका साफ होगा। ताड़ आसन, जब आप दोनों हाथ की तीलियां आसमान की तरफ खींचकर श्वास को अंदर लेते हैं, उस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स अंदर खींचती हैं, पेट के संपूर्ण भाग को अंदर खींचते जब ऊपर हाथ लाते हैं तो आपका पेट के भार कम होता है। कब्ज को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। आप नियमित 2-3 ग्लास गरम गरम पानी पीकर इस आसन को करें, पेट बढ़िया साफ होगा, वजन में कमी होगी। जिन बच्चों की ऊंचाई रुकी हुई है उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। तिर्यक ताड़ आसन, श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को दाईं तरफ ले आए।
वापस लाइए, बाईं तरफ ले जाएं, कमर में पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आपको कमर की तकलीफ हो रही है तो यह क्रिया ना करें। कमर और पेट के भार को कम करने के लिए शानदार क्रिया है। हाथ को बाजू से वापस ले आए। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को आसमान की ओर खींच के जब दाएं बाएं तरफ आते हैं उस दौरान आपकी साइड की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी क्रिया है। कब्ज आपकी दूर होती है, पेट साफ करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। अनेमियासिस के प्रॉब्लम वालों के लिए क्रिया और अच्छी है, जल्दी उनको फायदा होता है। तिल्ली आपकी सामान्य होती है। हां, यदि कमर दर्द से आप पीड़ित हैं तो बैक पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सेटका पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सर्वाइकल पेन के मरीज को नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। दोनों पैर फैलाइए, कड़ी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, बाईं तरफ घूमिए, रस्सी के समान स्पाइन को ऐठन दीजिए और पीछे घूमे, अधिकतम ट्विस्ट करिए, हाथ को वापस लाएं, दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे और घूमने का अभ्यास करिए, बाईं तरफ घूमिए। याद रखें पंजे उसी स्थान पर होना चाहिए, पंजे अपने स्थान से अलग नहीं होना चाहिए। कटी चक्र आसन। कटी कमर, उसको घुमाना चक्र के समान। जब आप स्पाइन को मरोड़ देते हैं रस्सी के समान, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो पेट के संपूर्ण फैट को खत्म करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। पेट जड़ से आपका साफ होगा, आंतों में रुका हुआ मल आपका निष्कासित होगा, हृदय स्वस्थ करने के लिए, वजन कम करने के लिए क्रिया लाभकारी है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं, क्योंकि प्राणायाम एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने की शैली है, एक लय है। जब जब इसका प्रयोग आप करते हैं शरीर के तमाम दोष तो शांत होते ही हैं, आपकी मानसिकता भी सकारात्मक होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, यह पूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। जब इन प्राणायाम का अभ्यास सूर्य भस्त्रिका, चंद्र भस्त्रिका, इन प्राणायाम का अभ्यास हो जाता है, उसके 6 महीने बाद अब आपको पूर्ण भस्त्रिका का प्राणायाम करना है। एकदम से प्राणायाम की मात्रा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तो आपके फेफड़ा की कैपेसिटी कितनी है, तो पहले इसकी विधि समझ लीजिए। आप विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद, और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं,
नाभि तक लेते हैं, श्वास बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉरोनरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दमा का रोग जल से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी, त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। स्किन आपकी त्वचा स्निग्ध होगी, चमकदार होगी, तेज उसमें पैदा होगा, बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बाल चमकदार होते हैं, बालों में सफेदी बहुत लेट होती है। संभवतः यदि प्राणायाम की गहनता आप करते हैं तो कभी कभी बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। यह अवस्था का प्राणायाम का चमत्कार है और इस प्राणायाम के साथ में आपको तीनों बंद लगाना है, यानी आखिरी में जब आप लगातार श्वास लें छोड़ें, श्वास लें छोड़ें, उसके बाद आप श्वास को अंदर रोक कर जल अंदर बंद, एनस को अंदर खींचना मूल बंद और पेट को अंदर खींचना उद्यान बंद, ये तीनों बंध आप लगाएं और उसके बाद जितना संभव आपसे बन सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुरूप आप श्वास को अंदर रोकें अंतःकुंभक और बाहर रोकें बाह्यकुंभक। जब योग का अभ्यास आप करते हैं, अभ्यास करने के बाद आपके अंदर की तमाम थकान निकल जाती है, शरीर फूल के समान हल्का हो जाता है, मन बिल्कुल हल्का पड़ जाता है, यानी शरीर के तमाम रोग को खत्म करने के लिए, व्याधि को खत्म करने के लिए योग से अच्छा सस्ता माध्यम और कुछ भी नहीं है।